नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। जेडीयू ने 25 नेताओं को चुनावी मैदान में भेज दिया है, टिकट मिल गया है। अब चुनावी मैदान में जेडीयू के नेता उतर गए हैं। नीतीश कुमार ने 25 लोगों के नामों पर अब तक मुहर लगा दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दागी नेताओं को टिकट नहीं दिया है। जेडीयू ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब 25 लोगों के नामों पर मुहर लगाया है। बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है और 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की अंतिम डेट है, आखिरी डेट है। और इस वजह से अब कह सकते हैं बेचैनियां बढ़ गई है। और नीतीश कुमार ने 25 नामों पर मुहर लगा दिया है। एक्सक्लूसिव लिस्ट टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसे कहां से टिकट मिला है। टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। भोजपुर के जगदीशपुर से सुषमलता कुशवाहा को टिकट मिला है। सुषमलता भोजपुर के महिला सेल की जिलाध्यक्ष है और उन्हें जगदीशपुर विधानसभा सीट से नीतीश कुमार उतारेंगे। वहीं सुल्तानगंज विधानसभा सीट से ललित नारायण मंडल का टिकट कंफर्म हो गया है। ललित नारायण मंडल पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चेनारी विधानसभा सीट से ललन पासवान का टिकट कंफर्म हो गया है। ललन पासवान चुनावी मैदान में उतरेंगे, नीतीश कुमार ने टिकट देकर भेज दिया है। वहीं नोखा विधानसभा सीट से राजेंद्र चंद्रवंशी को टिकट मिला है। जेडीयू ने टिकट देकर चुनावी मैदान में भेजा है। नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के मंत्र भी दे दिए हैं। धोरिया से मनीष कुमार सिंह को टिकट मिला है। वहीं बात करें अगर नवीनगर की तो नवीनगर से धीरेन्द्र कुमार सिंह को टिकट मिला है जेडीयू से। सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल को टिकट मिला है। अंगियाव से प्रभुराम, भोजपुर के अंगियाव विधानसभा सीट से जेडीयू ने प्रभुराम को टिकट दिया है। वहीं बेलहर विधानसभा सीट से मनोज यादव को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। सासाराम के करगरह विधानसभा सीट से वशिष्ठ सिंह चुनावी मैदान में होंगे जेडीयू के टिकट से। वहीं बात करते हैं जमुई के झाझा विधानसभा सीट से दामोदर रावत पूर्व मंत्री को टिकट मिला है यहाँ। वहीं बात करते हैं अब हम शेरघाटी की। देखिए शेरघाटी से सिटिंग एमएलए विनोद यादव को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया है, भरोसा जताया है विनोद यादव पर। अमरपुर से जयंत कुशवाहा को टिकट मिला है। पिता दागी थे इस वजह से बेटे को टिकट मिला है। चकाई से संजय कुमार को टिकट मिला है, एमएलसी भी रह चुके हैं संजय कुमार। कुर्था से सत्यदेव सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने टिकट दिया है। डुमराव से प्रवक्ता अंजुम आरा को टिकट मिला है। यहां से ददन पहलवान का टिकट कट गया है। देखिए रफीगंज से अशोक सिंह को टिकट मिला है। पालीगंज से जयवर्धन यादव को नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया है। आरजेडी छोड़कर आए थे जेडीयू में और उन्हें टिकट दे दिया है। मसौढ़ी से नूतन पासवान का टिकट कंफर्म कर दिया है नीतीश कुमार ने। पटना के मसौढ़ी सीट से नूतन पासवान को टिकट देंगे नीतीश कुमार। बात करते हैं राजपुर विधानसभा सीट की। देखिए बक्सर के राजपुर से संतोष निराला को टिकट मिल गया है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रहे संतोष कुशवाहा। मोकामा से राजीव लोचन को टिकट मिला है। आरजेडी के अनंत सिंह से फरियाएंगे राजीव लोचन। बरबीघा से सुदर्शन यादव को टिकट मिला है। नवादा से कौशल यादव और जमालपुर से शैलेश कुमार को नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया है। सबसे सुपर एक्सक्लूसिव टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। 25 नामों पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया है, टिकट दे दिया है सिंबल देकर। अब चुनावी मैदान में भेज दिया है नीतीश कुमार ने और साथ ही जीत का मंत्र भी दिया है। देखना होगा बिहार में महागठबंधन के महारथियों को कैसे पछाड़ते हैं नीतीश कुमार के 25 नेता। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आगे भी जो लिस्ट आ रही है सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।